वंते शुद्धभक्त कांसोदसालोचे संपत्ति अतः पौर्वाणिका चरंद्रयां श्रीमत्सुदभक्ते कायो श्रवणं करोमि। अतो पौर्वाणिकाचार्यवृंदयां श्रीमत् आचार्य भक्ते कायो सर्वं करोमि।
सदा सन्तु मे सर्वोचं विनं विनं परमं संवाद सिद्धिप्रदं ज्ञानज्ञान तपो विरक्त मुनितं निष्कर्ष विश्वाश्रयं साकारं समणं विशाल हृदयं सत्यं शिवं सुंदरं। श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की आचार्य पदारोहण महोत्सव की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त निर्यापक संघ मुनि राजों की, समस्त दिगंबर मुनि राजों की, आरिका संघ की, चतुर्वेदी संघ की, कुंडलपुर की धरा पर आज दोपहर में 1 बजे से बड़े पंडाल में आचार्य पदारोहण का कार्य संपन्न होगा। प्रातः काल की वेला में नमस्तु
का कार्य संपन्न होगा। प्रातः काल की वेला में Thank you.
अभी चलेगा एक घंटा में, अभी चलेगा एक घंटा में, एक घंटा बाद। अभी नहीं चला है, महाराज जी आएंगे ना तब मैं चला। अभी नहीं आया ऐसा अद्भुत ऐतिहासिक क्षण आया है। प्रथम श्रवण मुनि मुनि श्री समय सागर जी महाराज को आचार्य रूप में हमने पाया है। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, प्रातःकालीन की मंगल वेला में आप सभी का भव्य अभिनंदन करते हैं। लगातार आप पारस चैनल के माध्यम से कुंडलपुर की बारीक से बारीक लेटेस्ट अपडेट को फॉलो कर रहे हैं। और जिस प्रकार आप देख सकते हैं, पीछे बड़े बाबा का भव्य मंदिर है, विशालतम मंदिर है, भक्तों का यहाँ पर जमावड़ा एकत्रित हो गया है। जी हाँ दर्शकों, प्रातःकालीन की मंगल वेला में ही, और आज का दिन अति ऐतिहासिक है। हमारे साथ यहाँ पर सर हैं श्रावक श्रेष्ठ जी, उनसे बात करते हैं और जानते हैं आज की जो प्रक्रिया है वो क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे भक्त आ रहे हैं, गुरु संघ धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं और थोड़ी देर में महाराज श्री का प्रवेश होने वाला है, जो कि हमारे भावी आचार्य होने वाले हैं, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज। जी सर, जय जिनेन्द्र। कैसा लग रहा है, सबसे पहले तो ये बताइए। अति अविस्मरणीय पल हैं, आँखों में कैसे इसको समाहित किया जाए ये शब्दों में नहीं पिरो सकते। सर्वप्रथम भगवान ऋषभदेव, 1008 ऋषभदेव भगवान की जय, कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की जय,
छोटे बाबा की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज के उपरांत उनके निर्देशित नव आचार्य समय सागर जी महाराज के संस्कार कुछ ही पल में होने जा रहे हैं, जो कि आज दोपहर की बेला में हमारे को आचार्य आसन पे बैठकर हम सबको संबोधित करेंगे और आचार्य श्री की जो क्षति हुई उसको पूर्ण करेंगे। चीज पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप अभिषेक करने के पोशाक में हैं, तो अभिषेक प्रारंभ हो चुका है कि अभी मुनिवर के प्रतीक्षा में भक्त यहां पर बैठे हैं, उसके बाद अभिषेक प्रारंभ किया जाएगा, क्या कुछ प्रक्रिया है आज के दिन की? आज श्रावकों को अभिषेक का यहां पर बड़े बाबा का अभिषेक नहीं मिल पा रहा है, व्रतियों को ब्रह्मचारी भैया को मुनियों की व्यवस्था के अनुसार भीड़ अधिक होने के कारण जन सैलाब उमड़ रहा है, उसको नियंत्रित करने की वजह से श्रावकों को गर्भगृह में जाने की आज अनुमति नहीं है, पर भगवान देख रहे हैं, आँखों से अभिषेक करके भी बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ लगातार यहाँ पर श्रावक श्रेष्ठ सब जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी बात करते हैं, सर कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले मैं शॉर्ट में जानना चाहूँगी आपसे। भूतो न भविष्यति, ऐसा लग रहा है अपने जीवन में ये जो क्षण हम आज गुजारेंगे ये कभी फिर दोबारा मुमकिन नहीं है हमें ये अपनी आंखों से ऐसा दृश्य देखने के लिए। यहाँ पर सारे हमारे साथ अभिषेक के पोशाक में थे, परंतु शायद अभिषेक के अभिषेक नहीं कर पाए, उनसे बात करेंगे। कैसा लग रहा है यहाँ पर लगातार मुनि संघ का प्रवेश हो रहा है, माता जी यहाँ पर आ चुकी हैं, धीरे धीरे समूचा संघ यहाँ पर एकत्रित हो रहा है क्योंकि आज ऐतिहासिक दिवस है, तो कैसा प्रतीत हो रहा है? जो भावना हमारे अंदर आ रही है उसको तो मैं व्याख्या भी नहीं कर पाऊंगा शब्दों में। ये एक्साइटमेंट, ये जुनून कितने दिनों से साथ में लेके चल रहे हैं और आज उसका दिन आ गया है, फाइनली वो दिन आज यहाँ पे है और उसके हम लोग साक्षी बन पा रहे हैं अपनी जीवन में, ये सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी की और गर्व की बात है। बिल्कुल, तो लगातार मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपडेट करना चाहूँगी आप सभी को, शॉर्ट में लगभग इसी के समय सारे कार्यक्रम यहाँ पर होंगे पारस चैनल के माध्यम से। अगर घर बैठे आप प्रोग्राम देख रहे हैं, कार्यक्रम दे रहे हैं, इस भव्य ऐतिहासिक महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जानकारी देना चाहूँगी। अभिषेक पूजन एवं मांगलिक क्रियाओं का आरंभ प्रातः 8:30 बजे से किया जाएगा। यकीनन ऐसा लग रहा है कि तब तक मुनि संघ का प्रवेश यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद सभी मांगलिक क्रियाओं को प्रारंभ किया जाएगा, उसके बाद ध्वजारोहण उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन 1:00 बजे से होगा। लगातार आप पारस चैनल पर उसकी झलकियां देख पाएंगे। आचार्य पदारोहण की मंगल क्रियाएं 2:00 बजे से प्रारंभ की जाएगी, उसके लिए बहुत ही भव्य पंडाल बनाया गया है जिसके बारे में लगातार चर्चा हो रही है कि ऐसा पंडाल आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। जी हाँ, ऐतिहासिक महोत्सव में विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ हो रही हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं जो कभी भी नहीं हुई हैं ना आगे होंगी। साथ ही नव आचार्य की पूजन आरती का आयोजन 2:00 बजे से किया जाएगा, 3:00 बजे से किया जाएगा पारस टीवी। लगातार आप बने रहिएगा जिसमें आप घर बैठे ही आचार्य श्री के मुख से, जो हमारे भावी आचार्य हैं, जो आचार्य बनने जा रहे हैं, जी हां दर्शकों, जिस ऐतिहासिक क्षण के लिए दूर दराज से क्षेत्रों से लोग यहां पर पधार रहे हैं, उसके बाद पूज्य श्री के प्रवचन 2:30 बजे से कंटिन्यू चलते रहेंगे और इस भव्य कार्यक्रम में विशेषकर जो भी चीजें होने वाली हैं उसकी बारीकी से बारीकी जानकारी आप तक पहुंचेगी। साथ ही साथ आपको लगातार अपडेट कर रहे मैं चाहूंगी थोड़ा सा हम यहां पर जो भक्त एकत्रित, और आप देख सकते हैं मुनि संघ का प्रवेश यहाँ पर धीरे धीरे हो रहा है और भक्त उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनकी अगवानी कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर भाव के साथ इस भव्य मंदिर में भक्तों एक भक्त एकत्रित हो रहे हैं, सिर्फ आसपास के क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि देश विदेश से। हमने पहले भी आपको दिखाया है कि किस प्रकार से मलेशिया सिंगापुर से लोग यहाँ पर भक्त यहाँ पर आए, ऐतिहासिक महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर आनंद जी हैं जिन जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, उनसे बात करेंगे और लगातार मंदिर के साथ जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, विशेष योगदान रहा है उनका। जय जिनेन्द्र सर, नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। आज का दिन इतिहास में लिखा जाने वाला दिन है।
क्योंकि आज हमारे आचार्य परंपरा में पहली बार ही हम अपने जीवन में दृश्य देखेंगे, क्योंकि जब गुरु जी आचार्य भगवान विद्यासागर जी को दीक्षा मिली थी उस समय तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। आज पहली बार ये अनमोल या अविस्मरणीय दिन आया है। इस दिन के लिए आज सभी लोग देश विदेश से कुंडलपुर पधारे हैं बड़े बाबा के दर्शन करने, और इस दृश्य को आचार्य पधारोहण जो आज दिवस है, मुनि श्री 108 निर्यापक प्रथम निर्यापक समय सागर जी आज आचार्य बनेंगे, भाभी आचार्य थे आज तक, आज आचार्य पद पर सुशोभित होंगे। और हमारे इसके लिए हम सब बहुत प्रसन्नचित हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। जी बिल्कुल, तो कल जैसे कि हमने बात की थी सर, आपको सौभाग्य मिला था सुधा सागर जी महाराज को आहार देने का, और आज अनुपम क्षण आया है जिसके लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है प्रातःकालीन की मंगल बेला से आप सभी यहाँ पर हैं और गुरुवर की अगवानी कर रहे हैं, यहाँ पर जयकारों के साथ कर रहे हैं, है भी ऐसा ऐतिहासिक क्षण, तो क्या कहना चाहेंगे? संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अभी जो है हम मुनि अवस्था में पहले आखिरी बार समय सागर जी को देख रहे हैं, उसके बाद जब दोबारा हम उनसे मिलेंगे तो उनको आचार्य पद भी मिल चुकी होगी। उनका मुनि संघ का आवागमन हो गया है, वो अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल करीब एक घंटा लगेगा, जिसके बाद की ये फंक्शन होगा, उसके बाद नीचे ध्वजारोहण होना है, और उसके बाद जो है बड़े बड़े लोग VIPs आएंगे। SPG सिक्योरिटी ने पूरा उसको कवर किया हुआ है, और ऐसा लगता नहीं कि कोई आदमी जल्दी से अंदर आ पाएगा, जो कि वो हैं अनवांटेड एलिमेंट्स हैं। यानी बड़ी फ्रिस्किंग वगैरह के साथ ही पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। और ये जो मेरे को बड़ी अनुभूति हो रही है कि यहाँ पर हम जो है समय सागर जी महाराज के निर्वाण आसन पर उनको विराजमान होते हुए देखेंगे, शमोशरण की रचना होगी, और ये बहुत ही अद्भुत दृश्य होने वाला है। और जैसा मैंने कल भी बोला था कि यहाँ पर 350 या 355 पीछियाँ हैं, जो कि ना तो कभी पहले हुई हैं और ना अभी आगे होने की उम्मीद है और ना भविष्य में होंगी। अभी जो है पिछले साल भी दो साल पहले यहाँ 250 थी, अब 100 पीछियाँ और बढ़ गई हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा अद्भुत मौका है, और हम सब इसको देख के गदगद हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल, यकीनन जो चीज़ें यहाँ पर आप बता रहे हैं वो हो रहा है। संघ, इतना विशाल संघ, इतनी एकता, ये सब विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद है, और आज उन्हीं के आशीर्वाद से यह भव्यतम ऐतिहासिक महोत्सव हम कर पा रहे हैं। बिल्कुल, आपका कहना ठीक है, ऐसा उन्हीं की प्रेरणा से हो रहा है, और मुझे लगता नहीं कि ऐसा दोबारा कोई ऐसा और दूसरा संघ बन पाएगा फ्यूचर में। तो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, और आप मेरे साइड में ये जो बगल में जो आप यहाँ पर भक्तों का सैलाब देख पा रहे हैं, वो सब गुरुवर की अगवानी कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके एक एक संघ यहाँ पर सभी संघ से महाराज जी, माता जी, ब्रह्मचारिणी, भैया दीदी, एलक छुलक सभी यहाँ पर आ रहे हैं, और लोग यहाँ पर जयकारे लगा रहे हैं, विद्यासागर जी महाराज के जयकारे लगा रहे हैं, महावीर भगवान के जयकारे लगे हैं, तीर्थंकर प्रभु के जयकारे लगा रहे हैं, और समय सागर जी महाराज की जय। आज समय सागर जी महाराज आचार्य बनने जा रहे हैं, उनके चरणों में चार पंक्तियाँ कि तुम हो प्रकाश पुंज बीते राग ज्ञान में, तुम हो प्रकाश पुंज बीते राग ज्ञान में, और मन की लो लगी है अरे हंत ध्यान में, और मन की लो लगी है अरे हंत ध्यान में, इंसानियत जगाई तुमने संविधान में, इंसानियत जगाई तुमने संविधान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। देखिए इस पंचम काल में ऐसे ऋषिराज आए हैं श्री समय सागर जी महाराज, और उनके सानिध्य में जैसे हम महावीर स्वामी के सानिध्य में अपना जैन धर्म को प्रकाशित कर रहे थे, ऐसे समय सागर जी ने इतना समय देकर आचार्य विद्यासागर की किरणें लेकर, ज्ञान की शूर की किरणें लेकर हमारे पूरे भारत को प्रकाशित करेंगे। उनके चरणों में शत शत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। के बड़े बाबा की, संत शिरोमणि समाधि सम्राट समाधि श्रेष्ठ आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की,
परम पूज्य सभी निर्यापक श्रमण श्रेष्ठ मुनिराजों की, वंदनीय मुनि संघ की, वंदनीय आरिका संघ की। निश्चित आज वो पावन अवसर है जब समस्त मानव जाति को एक महनीय आचार्य का दर्शन होगा। वो पट जो भगवान महावीर की परंपरा में भगवान महावीर स्वामी के बाद इस पूरे शासन को और जिन शासन की महती प्रभावना को करने का कारण है, उस पद प्रतिष्ठा का महामहोत्सव है। आज प्रातःकाल हजारों हजारों जन बड़े बाबा के Thank you.
Thank you.
और जैसा कि आप देख रहे हो कि ये इस युग के ऐसे आचार्य हुए जिनके आचार्य बनने से पहले करोड़ों लोगों ने जिन्हें आचार्य के रूप में स्वीकार किया, जिन्होंने करोड़ों रूप में करोड़ों लोगों ने जिन्हें करोड़ों बार आचार्य के रूप में वंदना कर ली, उनका आचार्य पदारोहण तो आज होगा, लेकिन उनको आचार्य आज से पूर्व में जब आचार्य भगवान का आदेश प्राप्त हुआ था कि महाराज, तब से इन करोड़ों लोगों ने करोड़ों बार उन आचार्य को नमस्कार करके उन्हें स्वीकार किया। ऐसे आचार्य पदारोहण महोत्सव की संपूर्ण भारतवर्ष को मैं हार्दिक मंगलमय बधाइयां देता हूं और आचार्य नवीन आचार्य के चरणों में बारंबार कोटि सा नमोस्तु करता हूं। बोलिए परमपूज आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज की नमोस्तु। सभी को जय जिनेन। हमें बहुत खुशी हो रही है यहाँ आकर, और हम सबका सौभाग्य है जो आज हमें बड़े बाबा का इतना अद्भुत नजारा देखने को मिला। जय जय गुरुदेव। साधारण जय जिनेन बंधुओं, जैसा कि आपको मालूम है आज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी के उत्तराधिकारी का चयन होना है और पूज गुरुदेव की इच्छा अनुसार समय सागर महाराज जी का आज चयन किया जाएगा। सभी मुनि संघों के नेतृत्व में, सभी मुनि संघों की साक्षी में और करोड़ों लाखों लोगों की साक्षी में आज यह कार्यक्रम कुंडलपुर में संपन्न होने जा रहा है। जैसा कि पूज्य आचार्य भगवान का की इच्छा थी, उन्होंने जिस तरह से अपने प्रथम सुयोग्य शिष्य पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज का चयन किया है, ऐसे गुरुदेव को हम सभी लोग सादर नमन करते हैं और उनको आचार्य पदारोहण की। आज हमारे कुंडलपुर में की बड़े बाबा की महिमा बहुत अद्भुत है। सभी करोड़ों लोग यहाँ आए हुए हैं। अब छोटे बाबा जी श्री समाधिस्थ श्री विद्यासागर महाराज जी के बाद हमारे भाग्य का बहुत उदय है कि समय सागर जी महाराज जी को पदारोपण मिलने जा रहा है। हम सब खुश हैं। आज के महोत्सव की महिमा अपरंपार है और यहाँ पे कुंडलपुर में अभी ऐसा लग रहा है जैसे समोसरण रचा गया हुआ है। ऐसे पब्लिक इतनी है, समा नहीं रही है और लोगों को इतना उत्साह है। सब जगह जहाँ मिले वहाँ भक्ति कर रहे लोग, तो सब आनंद उठा रहे, सब मजा कर रहे, बहुत बढ़िया व्यवस्था भी है। यहाँ पे आके मेरे को इतना अतिभूत अनुभव हुआ और इतना अच्छा लगा कि जैसे आचार्य श्री का आज सपना साकार हुआ और यहाँ पे इतना बड़ा समोसरण और इतनी जन समूह है, ना भूत में होगा ना भविष्य में होगा, और इतना अद्भुत मंदिर जो हमको देखने के लिए मिला और आज भविष्य में मिलेगा, इससे और बढ़िया। मैं सबको बोलता हूँ कि जो नहीं आ पाए उन्होंने अपना सौभाग्य खोया है, हमने आके यहाँ पे सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं राजेश जैन बाजना छतरपुर, हम ये बताना चाहते हैं कि पूरा विश्व इस कार्यक्रम को देख रहा है और जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं सभी पुण्यशाली हैं और हम सभी सौभाग्यशाली के ऐसे युग में जन्म लिया आचार्य श्री के, कि हम सभी ने उनके दर्शन कर पाए और उनके आसन पर आज हमारे पूज्य समय सागर जी महाराज, हर व्यक्ति विशेष के मन में ऐसा उत्साह और उमंग ये जीवन में पहली बार हुआ है। हम सभी बहुत ही पुण्यशाली हैं अपनी धरा के लिए। मैं भोपाल से पवन जैन, बहुत ही शानदार ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है और आप हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं। भाग्यशाली वो लोग भी हैं जो किसी कारण से आ नहीं पाए लेकिन उनकी भावना थी आने की, और ये वाकई में ये मंदिर बहुत अभूतपूर्व महोत्सव। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं ग्राम झलौन से आया हूँ, तेंदुखेड़ा से। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब व्यवस्थाएं अच्छी हैं और मैं पारस चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये कवरेज कर रहा है। बहुत बहुत। मैं सलवानी से आया हूँ, दिनेश कुमार जैन। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे पारस चैनल द्वारा, काफ़ी मज़ा आ रही है यहाँ पे, बहुत उत्साह है हम लोगों के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद पारस चैनल को। मैं रामगंज मंडी से, जिला कोटा रामगंज मंडी, संतोष कुमार जैन। महाराज श्री का पंच कल्याण के टाइम पर भी हम लोग आए थे, तब भी काफी अच्छी व्यवस्था थी और अभी उससे भी ज्यादा बढ़कर के बहुत अच्छी व्यवस्था है सारी गांव की। बहुत बहुत सादर जय जिनेन। मैं दमोह क्षेत्र से बधा रही हुई हूँ। हमें हमारे ऊपर बड़े बाबा की असीम कृपा है, जिसमें बड़े बाबा, छोटे बाबा और नए छोटे बाबा
बाबा नंबर टू हमें आज प्राप्त हो गए हैं। हमारा हम बहुत पुण्यशाली व्यक्ति हैं जो हमें इस युग में जन्म लिया। छोटे बाबा और छोटे बाबा का हमें देखने का अवसर मिला। आचार्य प्रधारोपण अब हमें अपने जीवन में दोबारा कब मिलेगा ये हमें कुछ पता नहीं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को देखे बिना अपने आप को अपने जीवन कार्यक्रम को देख के अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय जिनेन। हेलो नाओ जय कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर महाराज की जय। समय सागर मुनि महाराज की जय। नाओ कर्नाटक बेलगावी ग्राम आचार्य श्री विद्यासागर ग्रामदिंद बंदिद्देवे। नाओ अवर दर्शन माडि अवरु नम्म ग्रामदल्लि हुट्टिदरु नम्म सौभाग्य। इंदिनिंद नाओ अवर आचार्य अवरु नम्म करुणाडिन इन्नोब्बरु आचार्य आगिदे नाओ हेम्मे पडुत्तेवे। हेलो मैं आलोक कुमार जी जैन कटंगी से। आज हमारे यहाँ पर दमोह क्षेत्र में कुंडलपुर आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया है जिससे यहाँ पर कितने भी साधु कितने भी लोग सभी लोग जगह के आ जाएं। आज हमारे यहाँ जो किस्मत वाले हैं कि जो आचार पद आज देखने के लिए सभी जगह से लोग उपस्थित हुए हैं और जिनके सौभाग्य खराब कहलाए कि जो इस पुण्य स्थिति में पौंडा पहुँच पाए हों। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बड़े बाबा कुंडलपुर जी से मैं यहाँ पारस चैनल के सौभाग्य से यहाँ आज आप सब लोगों को यहाँ चर्चा में आ रहे हैं। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज का पदारोहण उत्सव में हम यहाँ आए हैं। लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पधार हैं जिन्होंने भी बड़े बाबा के दर्शन छोटे बाबा के भी नहीं किए हों और हमारे समय सागर जी बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ जरूर पधारे हैं। पारस चैनल जो कि आज पूरे देश में जैन धर्म की प्रभावना कर रहा है, मैं सभी को धन्यवाद, पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए सभी को शुभकामनाओं के साथ बोले बड़े बाबा की। का दृश्य बहुत अनमोल है। यहाँ जितने भक्त आए हैं बहुत उम्मीद लेकर आए, बहुत ही अच्छा लग रहा, बहुत आनंद लगा। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। कुंडलपुर की पवित्र भूमि पे ऐसा लग रहा है साक्षात आचार्य श्री हम सबको सिद्ध बन के आशीर्वाद दे रहे हैं। ये भीड़ होने के बाद भी किसी कोई भी आकुल व्याकुलता कुछ भी नहीं है। यहाँ हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी आचार्य श्री के पदारोपण दिवस को देखने आए हैं। हम कर्नाटक से सदलगापुर गाँव से आ रहे हैं आचार्य श्री के गाँव के पास 5 किलोमीटर में। कुंडलपुर के आने को बहुत हमारा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हमारा बहुत पुण्य है। हम सब सभी लोगों को सभी जैन लोगों को कितना भी दिखता है सभी लोगों को हमारा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आचार्य पदवी को सब लोग महाराष्ट्र के
नज़ारा देख रहे हैं, भक्तों की उथल पुथल देख रहे हैं, वो बस इसलिए है क्योंकि अभी बड़े बाबा के दरबार से भावी मुनि श्री आचार्य श्री समय सागर जी महाराज अपने संघ के साथ पूर्णतः नीचे गए हैं, नीचे मंदिर परिसर में गए हैं, जहां पर कुछ ही देर बाद आहार चर्या की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके बाद इस महामहोत्सव के शेष कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल यहां पर जो भक्त उत्साहित हैं उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं, क्योंकि सुबह से प्रतीक्षारत थे, जिस वक्त यहाँ पर गुरुवर आए थे उस वक्त से लेके अभी तक भक्त सिर्फ गुरुवर और जिनेंद्र प्रभु के जयकारे गा रहे थे। सर, जय जिनेंद्र, कहाँ से आए हैं आप? मैं उदयपुर से आया हूँ, सीए जिनेंद्र गंगावत। और ये जो आज का जो पदारोहण समारोह है बहुत ही भव्य तरीके से हो रहा है, और इसमें जो पारस चैनल जो इतनी पब्लिसिटी कर रहा है उसको भी बहुत पुण्य लगेगा, और हम सबका बहुत सौभाग्य है कि हम ये उत्सव बड़े उत्साह से मना रहे हैं। धन्यवाद जी। जी 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 मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? हम औरंगाबाद महाराष्ट्र से आए हैं, हमें तो इतना अच्छा लग रहा है कि वो बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी जी, खुद अब यहाँ पहले भी आए थे बहुत बार, अभी आज सवेरे आए हम, आज सवेरे आए, आज के महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए आए। बड़े बाबा क्या दर्शन करके तो हम धन्य हो गए। सत्य मुनि महाराज, माता जी, शुल्लक जी, इनका दर्शन करके हम तो धन्य हो गए, धन्य हो गए, धन्य हो गए। चतुर्थकालीन सीन देखने को मिल गया आज, बहुत अच्छा लग रहा है। जय बोलो बड़े बाबा की जय। बड़े बाबा का दर्शन करके हमको बहुत अच्छा लगा। हम सुबह को जाए, पुणे जाए बोले, हम आ जाए सुबह को। बड़े बाबा का दर्शन करके बहुत धन्य हो गए। पूर्ण चतुर्विध संघ का दर्शन हो गया आज, चतुर्थ काल में आए ऐसे लगता है। ये समोहरण बार बार नहीं बोले मिलेगा, ये तो न भूतो न भविष्य थे, अभी अभी ने पहले कभी देखा नहीं और आगे कभी देखने को नहीं मिलेगा। हम बहुत बहुत धन्य हो गए, हम तो बहुत धन्य हो गए। आज सवेरे ही आए और हमको चतुर्विध संघ का दर्शन हुआ, और बड़े बाबा का भी इतने भीड़ में दूर से किया उन्हें वहाँ दर्शन हो गया। हाँ, धन्यवाद। हम महाराष्ट्र से आए, बहुत ही हमको इतना अच्छा लग रहा है कि बड़ा समोचरण है पंचम काल में, कि हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत भाग्यवान जो है हम इस दुनिया में कि महाराज जी के दर्शन हुए। बहुत सारे महाराज जी के एक साथ कभी दर्शन नहीं होते, जीवन सफल हो गया। दीदी हम लोग MP से है, सागर से आए, बहुत अच्छा लग रहा है आज का माहौल देख के, बहुत गदगद हो रहा है, सब मुनि महाराज के अच्छे से दर्शन मिल रहे हैं। हाँ, सब बढ़िया अच्छे सब। यहाँ पर कुछ श्राविकाएं हमारे साथ है, वो कह रही हैं कि हम भी बात करना चाहते हैं, अपने भावों को रखना चाहते हैं। हम पूज्य श्री के गांव से आए हैं, हम सतगला से आए हैं, तो निश्चित तौर पर इनकी वाणी सुनना अत्यंत जरूरी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही एक ऐतिहासिक क्षण है। और उस कड़ी में सबसे पहले तो मैं चाहूंगी आप विद्यासागर जी महाराज का एक जयकारा लगा दीजिए। हमें आचार्य श्री का स्थान संपूर्ण कर दिया, यही इतना ही हमारा भावना है। समय सागर महाराज जी, विद्या सागर महाराज जी की छवि है। ओ सदलगा के संत तूने कर दिया कमाल, ओ सदलगा के संत तूने कर दिया कमाल, कर गए गुरु संग सागर, गुरु नियम सागर, गुरु नियम सागर, गुरु उत्कृष्ट सागर। जय बोलो 61 विद्या सागर मुनि महाराज की जय। आज
सबसे ज्यादा कमी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की लग रही है। ऐसे लग रहा है उनके बिना सब कुछ सूना सूना है। वो होते तो कुछ और ही बात होती, ये आचार पद उनके सामने मिलता तो कुछ अलग बात होती। बोलो कुंडलपुर वाले बाबा की, बोलो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। जिस सुख की चाहत में तू दर दर को भटकता है, जिस सुख की चाहत में तू दर दर को भटकता है, वो समय गुरु के चरणों में दिन रात बरसता है, वो समय गुरु के चरणों में दिन रात बरसता है। जिस सुख की चाहत में तू दर दर को भटकता है। बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। नव आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। महान अतिशयकारी बड़े बाबा की जय। उत्साह देख सकते हैं भक्त और भी हैं यहाँ पर। कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। हे गुरुवर धन्य हो तुम, इतना परसय सहते हो, सर्दी हो या गर्मी हो या फिर हो बरसात। हे गुरुवर धन्य हो तुम, इतना परसय सहते हो। हमारे गुरु की महिमा अपरंपार है। आचार्य विद्यासागर जैसे गुरु हमें मिले, हमारा भाग्य उदय हो गया है। बोले संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की जय। हमारे गुरु बहुत ही परम सिद्ध हैं। बोल। हमें बहुत अच्छा लगा, हमने सोचा भी नहीं थे कि हमारे यहाँ के दर्शन हो जाएंगे। बहुत प्यारे से दर्शन हुए, बहुत प्यारे से दर्शन हुए। आज ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में जैसे भगवान ने जन्म लिया था ना, वो सीन है आज यहाँ। इतना अच्छा लग रहा है, हम लोगों की जिंदगी सफल हो गई। हम हमको कुछ नहीं चाहिए इससे आगे। जन्म कल्याणिक हो रहा है ऐसा हो लग रहा है। हमें बहुत बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। हम लातूर से आए औरंगाबाद के खड़के के गाड़ी से महाराष्ट्र कुंडलपुर को आके हमारा सब धन्य हो गए। हम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर के चरणों में बारंबार कोटि कोटि बार नमोस्तु। आज आचार्य श्री का सपना साकार हो गया। आज सारी जनता को देखकर इतनी खुशी हो रही है आज के दिन, इसीलिए मंदिर बनवाया था। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। हेलो, हम चंदन नगर जैन कॉलोनी भोपाल से आए हैं। हम आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते। आज का माहौल देखकर हमको ऐसा लग रहा है कि आचार्य श्री का पुनर्जन्म होने जा रहा है। ये माहौल देख के स्थिति हमको ऐसी समझ में आ रही है। शांतिनाथ भगवान की जय। हम बागी द्वारा बांसवा डिस्ट्रिक्ट से आए, जहाँ समस्या चतुर्मास हुआ है, और हम यही भावना बातें हैं हमारे बागी द्वारा में फिर समस्या महाराज जी का प्रगलापन हो और नया मंदिर बने। भावना है पहले तो बहुत बड़ा महोत्सव है। बाहर से बहुत सारे यात्री पधारे हैं हम दमोह नगर के, और हम पूरे जो इतने पधारे हैं उनके अलावा स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और साथ में कुंडलपुर ट्रस्ट कमेटी सहयोगी और जो महोत्सव में सम्मिलित हुए युवा वर्ग, जिन्होंने महोत्सव को सफल बनाने का जो सुंदर प्रयास किया है वो बहुत ही सराहनीय है। हम उनका वंदन अभिनंदन करते हैं। जय बड़े बाबा, जय बड़े बाबा। कुंडलपुर के बड़े बाबा, हम फिरोजाबाद से यूपी से आए हुए। ऐसा लग रहा है मैडम जैसे कि समोसरण लगता था, चारों तरफ से लोग आते थे, सेम वैसा ही लग रहा है। और ऐसा मनोहर दृश्य, बहुत अच्छा दृश्य है। बहुत जय जिनेंद्र, हम लोग आसाम गुवाहाटी से आ रहे हैं। इतना सुंदर लग रहा है कि कोई शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। देखने का बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है जिंदगी में, शायद दोबारा ये सौभाग्य मिले या न मिले कोई कह नहीं सकते। हम तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजोलिया भारतनाथ जी से पधारे हैं और यहाँ का माहौल देखकर हमें बहुत ही आनंद आ रहा है, और आचार्य श्री का आज नया जीवन मिल रहा है हमें। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हम गांगड़तलाई बासवाड़ा राजस्थान से, और आचार्य श्री ने इतना भव्य विशाल मंदिर बनाया, वो भी छोटा पड़ रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज हमारे नए आचार्य भगवान हमसे प्राप्त हो रहे हैं, हम बहुत बहुत अभिभूत हैं। जय जिनेंद्र, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मैं पवन कुमार जैन, हम भगवान के सम्मोह शरण में बैठे हुए हैं। बोलो देवादि देव आदिनाथ भगवान की। अच्छा।
मैं जैन समाज गुना का महामंत्री अनिल कुमार अंकल हूँ। वास्तव में यहाँ क्या आ गए, ऐसा लगता है कि चतुर्थ काल में चर्या करने वाले आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के समस्त शिष्य, पूरी शिष्य मंडली, न केवल मुनिराज, पूरी आरिका माता जी यहाँ पर आई हुई है। हमें बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है। काश हमारे गुरुवर प्रातः स्मरणीय गुरुवर विद्यासागर जी महाराज होते तो क्या अद्भुत नजारा होता। खैर कोई बात नहीं, उनकी पूर्ति करने के लिए आज समय सागर जी महाराज को उनका पद दिया जा रहा है। हम सब मैं बड़ोड़ा से कल्पना जैन बात कर रही हूँ। आज बड़े बाबा के यहाँ आके हमको इतना अच्छा लग रहा है कि हमारा नया जन्म हुआ। हम सब महाराज जी के दर्शन करके एकदम हमारा भाग्य खुल गया। हमें यूपी से पधारा हूँ। आज की एक अलौकिक छटा देखने को जो हमें मिल रही है, ये नयन भी आज तृप्त हैं। काश आज हमारे आचार्य भगवान होते तो उनकी क्या विशेषता थी। चार पंक्ति देकर आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हैं कि चरण धूल जिनकी पाने को अंबर तक झुक जाता है। Thank you.
आपका भाभी जी हो गया अनिल
ये
भैया
अंदर